हाई एवरी वन, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस ब्लॉग एट नाइट. थोड़ा सा आपको अपडेट देती हूँ. मैं अभी इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कितना काम हो गया है. जो सेकेंड बेडरूम है उसका काम हो गया है, जो ये वाला बेडरूम है इसका भी काफ़ी कुछ काम हो चुका है. किचन थोड़ा सा बचा हुआ है तो किचन अभी हो रहा है. एंड माई गॉड, मतलब इस बार की जो शिफ्टिंग है ना, उसमें जो मेरा हाल हुआ है, मतलब यू कैन सी माई फेस. मेरे को जो भी देख रहा है ना, वो मुझे इसी तरीके से मुझसे मिल रहा है, अरे तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, अरे तुम बहुत थकी हुई लग रही हो. क्योंकि ना तो मेरी नींद पूरी हो रही है ना काम पूरा हो रहा है. मैं इस टाइप की हूँ कि जिस दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा ना, और मैं 2 दिन भी सो लूँगी ना, तो मैं एकदम फ्रेश हो जाऊँगी. विक्की और टीनू का कैसा होता है, वो लोग वीकेंड पर तो हेल्प करा लेते हैं, बट वीकडे में ऑब्वियसली उन लोगों की कॉल्स एंड ये और वो चालू जाता है. तो वीकडेज पे पूरा मैं ही मैनेज करती हूँ. मेरे दिमाग में ये था कि मैं 8 को आई थिंक यहाँ आ गई थी, तो जन्माष्टमी पे मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. मुझे लग रहा है पूरा पूरा ऑगस्ट चला जाएगा एंड सेप्टेम्बर में फिर मैं जमाना स्टार्ट करूँगी. क्योंकि जब ये वुडवर्क होने के बाद, उसके बाद भी जो मैं अपना ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, जो मुझे 10-15 डेज लगते हैं, भाई यहाँ पेंटिंग लगाना या DIY करना, वो DIY सूखने लगना, फिर ड्रिल करना, ये छोटे 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 काम होते हैं, वो 2-3 दिन में, 3 दिन का उन्होंने मेरे को बोला है भैया ने कि 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा. तो विद इन 3 डेज सबसे पहले मैं नीचे जा करके सेट जो करूँगी वो अपना बेडरूम सेट करूँगी. कम से कम ये कि खाने का इतना लोड नहीं रहता है, मैं जा करके थोड़ा हेल्प करवा देती हूँ. बट ऐसा नहीं है कि पूरा एंड टू एंड खाना बनाना है, फिर किचन भी क्लीन करना है, ये सब का हेडेक अभी नहीं हो रहा है. मुझे आप लोगों को अपडेट देना था. एंड आई थिंक ये वाला जो व्लॉग है वो मैं जन्माष्टमी तक स्ट्रेच करूंगी. ये सारी अपडेट मुझे आप लोगों को देनी थी. अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह. हाय एवरीवन, एक्चुअली आज मैं आप लोगों को घर का अपडेट देती हूँ कि कितना काम बाकी है एंड कितना काम हो चुका है. जो हम लोग जिससे काम करवा रहे हैं वो लोग लिटरली बहुत ज्यादा स्लो है. तो एक काम ठीक कर रहे हैं बट जो उनका प्रोसेस टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा स्लो है. सो लेट्स सी कब होता है, क्या होता है. तो मेरे पास ऐसे जनरली नॉर्मली काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि आपने कहीं से इंटीरियर स्टाइलिंग सीखा है, कि आप कलर कोऑर्डिनेशन कहाँ से देखते हो या क्या एंड ऑल दैट. तो एज यू ऑल नो दैट मैंने अपने Q&A में बताया था कि मेरे को काफ़ी शौक है इंटीरियर्स का. तो मैंने एक इंटीरियर स्टाइलिंग वर्कशॉप ज्वाइन किया था जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था. मतलब वो आई थिंक आई पेड 5,000 फॉर 2 डेज क्लास, और मैं अपने घर से थाने से जाती थी बैंड्रा, और वो एक बहुत बड़ा फेल एंड स्कैम था. दो हमको हमारे पैसे वापस मिल गए थे, बट ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस है जो कि मैंने अपने Q&A वीडियो में शेयर किया है. सो इन जनरल भी मुझे इंटीरियर स्टाइलिंग यू नो सीखना पसंद है, नई नई चीज़ें. बट हाँ, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है प्रॉपरली कि हाँ कौन से स्टाइलिंग को किस नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं. सो स्किल शेयर, रीच आउट टू मी. जिनको नहीं पता है स्किल शेयर क्या है उनको मैं बता देती हूँ. स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ इंस्पायरिंग क्लासेस अवेलेबल है क्रिएटर्स के लिए. आप वहाँ पर अपनी न्यू स्किल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपका कोई पुराना पैशन है जो किसी वजह से रुक गया है, आप कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, आप वो वहाँ पर सीख सकते हैं. आई ट्राइड देयर इंटीरियर स्टाइलिंग क्लासेस एंड आई मस्ट से मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली. मैंने जो क्लास लिया था उसका नाम है इंटीरियर डेकोरेट लाइक अ बॉस बाय रोज स्प्रिंकल. ये एक डिजाइनर है एंड साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर है. मैंने काफी कुछ उससे सीखा और काफी सारी नई चीजें मुझे पता चली. आप यहाँ पर गार्डनिंग, पेंटिंग, डांसिंग, कोडिंग, फोटोग्राफी, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, एनिमेशन, प्रोडक्टिविटी, काफी सारी चीजें आप सीख सकते हैं. अगर आपको शौक है कि आप कैसे टाइम मैनेज करें, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, आपको प्रोडक्टिविटी सीखना है, मतलब इसमें बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, आपको मजा आ जाएगा. इस प्लेटफॉर्म को स्पेशली लर्निंग के लिए क्यूरेट किया गया है. यहाँ पर कोई भी एड्स नहीं आते हैं. स्किल शेयर आपको एक्सपोजर गेन करने में हेल्प करता है उनके क्लासेस के थ्रू, आपके जेन्युइन इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करता है. इस तरह से ये डिजाइन किया गया है. स्किल शेयर बिलीव करता है एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो कि एक पर्सनल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा असेंशियल होती है. तो जल्दी से स्किल शेयर को ज्वाइन करिए, अपने पैशन को फुलफिल करिए. आप कोई नई चीज लर्न करना चाहते हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. स्किल शेयर का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो लेस देन 2400 रुपीज है. दैट मीन्स लेस देन 200 रुपीज पर मंथ. इतना सस्ता तो आप आई थिंक एक दिन में कोल्ड कॉफी में ही दे देते हो. आपको साथ ही साथ ये घर के कम्फर्ट में मिल रहा है, मतलब आप घर के कम्फर्ट में बैठ करके नई चीजें सीख सकते हैं. आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारी क्लासेस के लिए जो कि एड फ्री रहेगा. एंड दीज क्लासेस आर बाय फेमस क्रिएटर्स और बाय इंडस्ट्री लीडर्स. फर्स्ट 1000 पीपल विल गेट फ्री 1 month ट्रायल. तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, ट्राई जरूर करिएगा. और अब मैं नीचे जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि बेसिकली हमारे घर का काम क्या क्या हुआ है. मैंने जो 2 plans हैं वो ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं. मतलब जिस रूम में, जो सेकेंड बेडरूम है उसका पूरा प्लान मैंने डिसाइड कर लिया है, उसकी कलर स्कीम डिसाइड कर लिया है, सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं. तो वो सब आने भी लगना स्टार्ट हो गई हैं. तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में.
तो ये है सेकेंड बेडरूम का जो हम लोगों ने वुडवर्क करवाया है वो. सो बेसिकली ये जो कबर्ड ऑलरेडी बना हुआ था इसको सिर्फ हमने कवर करवाया है एंड ऊपर जो शेल्फ था उसको हमने कवर करवाया है. सिर्फ इतना ही काम सेकेंड बेडरूम में हुआ है. बाकी अभी फ्लोर क्लीनिंग होनी है और जो बाकी डेकोरेशन का पार्ट है वो अभी आपको दिख जाएगा. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आर टेम्पररी किचन राइट नाउ. मतलब ये सेकेंड बेडरूम है, सारा किचन का सामान यहाँ पर रखा है एंड ये किचन हम लोगों ने पूरा खाली कर दिया है. ये देखिए, ये अभी स्टैंड को मैं मॉडिफाई कराने वाली हूँ बिकॉज दिस इज़ एन आयरन स्टैंड, तो इसको मॉडिफाई करा देंगे. ओके गाइज, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ब्लॉग में बोला था कि आपने फिर से सामान क्यों ऑर्गेनाइज़ किया था जब पूरा सब वार्डरोब होना ही था. तो पहले यही डिसाइडेड था कि नहीं ऑर्गेनाइज़ करना है, बट देन मेरी मदर इन लॉ विक्की ने बोला नहीं नहीं ऑर्गेनाइज़ कर दो, उसके ऊपर चादर डाल देंगे, तो वो डबल काम हो गया. तो यहाँ पर जमा लिया है, बट हम लोग सोच रहे हैं अभी सब हो जाएगा तब हम अर्बन क्लैब जो डीप क्लीनिंग होती है उनको बुलाएंगे. दे विल ऑर्गेनाइज, दे विल रीअरेंज एज वेल बिकॉज अब मेरी हिम्मत नहीं है. सो आई थिंक आई हैव सीन द पैकेज फॉर 999 और ऐसा कुछ का है. तो लेट्स सी, जब हो जाएगा तब उन्हीं को बुलाना ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि अब मैं बाहर पड़ जाऊँगी अगर इतना एग्जर्ट मेरी बॉडी हो गई अगर तो. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सो आज हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन के लिए. जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो राखी पे उनकी मतलब विक्की की नानी जी के घर पे थी, तो उज्जैन में विक्की की नानी जी रहती हैं. तो आज हम लोग जा रहे हैं, उनको लेने भी जा रहे हैं एंड साथ में महाकाल के दर्शन करने भी जा रहे हैं. तो मेरा जो मास्क है वो यहीं रखा हुआ है, ऐसा मत सोचना कि मैं मास्क नहीं पहनी हुई हूँ. दो बापरी इधर पे भोपाल जब से हम आए यहाँ पर 10% लोग मास्क लगाते हैं, लोग मास्क ही नहीं लगा रहे हैं भगवान जाने क्यों. जबकि अभी जब सेकेंड वेव आया था तब बहुत वर्स्ट हिट था भोपाल, बट स्टिल लोग रोड पे चल रहे हैं, नॉर्मली भी मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं. और पिछले 3-4 बार से आप मुझे इसी सूट में देख रहे हो. उसका एक रीज़न ये है कि मेरे पास सिर्फ यही सूट है जो बाहर रखा हुआ है और एक जो मैंने राखी में पहना था वो मैंने बाहर रख के रखा था. उसके अलावा कल की बात है, मेरी एक फ्रेंड है दीक्षा का, हम उसका ग्रुप में मैसेज आया कि गर्ल्स उन लोगों को पता है कि मैं यहाँ हूँ, तो मतलब बाहर चिल आउट के लिए कि चलो मिलते हैं साथ में, ये वो मिलने का कोई सीन है. मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अभी तो मैं नहीं मिल सकती, फिर 10 दिन तो बोलना भी मत इसका नाम भी मतलब मिलने का, क्योंकि मेरे सारे कपड़े अभी सब रखे हुए हैं. मेरे पास सिर्फ 4 कपड़े घर में पहनने के, एक जीन्स बाहर है और एक ही वाला सूट है, जहाँ सूट वाली जगहों पर मैं ये कुर्ता और प्लाजो पहन के जा रही हूँ. जीन्स अगर पहनने का तो अभी मौका ही नहीं मिला है, पर अगर जीन्स पहनना होगा तो वो एक जीन्स और एक टी शर्ट बाहर है और बाकी 4 घर में पहनने के कपड़े यही बाहर है. तो अभी जब तक मेरा घर सेट नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ. तो मैंने उनको बोला थोड़ा रुक जाओ भाई, अभी मैं हूँ यहाँ पे लंबा, तो फिर आराम से चिल करके मिलते हैं. तो आज लेकिन घर पे काम होता रहेगा, पापा जी जो हैं मेरे फादर इन लॉ है वो पूरा मैनेज कर लेंगे, टीनू और वो दोनों. हम लोग तो निकल रहे हैं लेने के लिए. और मैंने कैमरा इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं सिर्फ अकेला अपना जो ये स्लिंग बैग है ना ये लेकर के जा रही हूँ. मंदिर में कैमराज वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है. आई एम श्योर महाकाल का नाम सबने सुना होगा, काफ़ी फेमस मंदिर है और बहुत मान्यता वाला मंदिर है. तो वहीं जा रहे हैं हम लोग एंड सुबह निकल गए 6 बजे. लेट्स सी देखते हैं कितने बजे पहुंचेंगे और आज हम वापस भी आ जाएंगे, मतलब क्योंकि काम हो रहा है नीचे एंड आज किचन में ट्रॉलीज लग रही हैं. तो वी आर नॉट मेकिंग इट कम्प्लीट मॉड्यूलर, लेकिन हम बिल्कुल जो बेसिक वाला होता है ना मैं आपको दिखाऊंगी, जब पूरा टॉर दूंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी. और जो हमारा बेडरूम है वो कल टर्नड आउट, कल कम्प्लीट हुआ है. ओ माई गॉड, बेडरूम देखने के बाद ना मेरी लिटरली मैं आपको बता रही हूँ जो एक रे ऑफ होप होती है ना वो मेरी खत्म हो गई थी घर की हालत देख के. और मतलब क्योंकि मैं खुद भी बहुत थकान फील कर रही थी, एनर्जेटिक फील नहीं कर रही हूँ. जब आप एनर्जेटिक फील नहीं करते तो आपको आइडियाज जो आपके थे ना वो सब मेरे कहीं ना कहीं ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे मुझे कि अरे मैं कैसे करूंगी. लेकिन कल जब बेडरूम का मैंने वो पूरा कम्प्लीट हुआ ना तब मैंने कहा यस दिस वॉज आई वॉन्टेड, मुझे यही चाहिए था. और भी बिल्कुल वैसे ही टर्न आउट हुआ है, तो मज़ा आ गया मुझे देख करके. और अब थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स आने लग गए हैं, मतलब थोड़ा पॉजिटिविटी अंदर वापस से आ गई जो चली गई भटक गई थी. भटक नहीं गई थी, इंसान का ऐसा ही है, पैनिक हो जाती है. जरा सा कुछ होता नहीं है कि बर्बाद हो गई सारी दुनिया, और जरा सा कुछ अच्छा नहीं होता कि आबाद हो गई पूरी दुनिया. विक्की बोलता है डेली सुबह मेरे अंदर रे ऑफ होप जो है ना वो ऊपर चढ़ने लगती है और डेली शाम को मेरी रे ऑफ होप नीचे चली जाती है. तो आ गई ऊपर, मैं बोला हाँ शाम को नीचे चली जाती है. जब मैं देखती हूँ ना और एक काम नहीं हो रहा, मतलब जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं ना वर्कर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो स्लो तो बहुत है भाई, बहुत स्लो है, लेकिन अच्छे लड़के मतलब मेहनती है, धीरे धीरे काम करते हैं वो लोग. तो उनको देख करके तो मैं और उसमें डिप्रेसिव
मोड में चली जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं उज्जैन। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं दिखा देती हूँ उज्जैन कैसा दिखता है। और हम लोगों ने शार वार ले लिया, सुबह सुबह शार लेकर के गए। कुछ खाना नहीं है क्योंकि मंदिर का दर्शन करेंगे पहले, और आज वीक डे है, फ्राइडे है, तो होपफुली वहाँ पर रश कम हो। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि रश कम हो, और उसके बाद फिर हम जाएंगे विक्की की नानी जी के घर पे, एंड उसके बाद वहाँ से मम्मा को पिक करेंगे और निकल जाएंगे वापस। ओके गाइस, तो हम लोग उज्जैन पहुँच गए, 6 बजे हम निकले थे, एट 8:30 पहुँच गए हैं, और अभी जो मंदिर है वो 6 मिनट्स में आने वाला है। रोड्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा खाली थी और रोड काफ़ी अच्छी भी थी, तो इसलिए टाइम से पहुँच गए, टाइम से पहले पहुँच गए। यहाँ पर एंड लिटरली लोग बिना मास्क है, और मैं तो भाई डबल मास्क लगाई हूँ, और विक्की भी डबल मास्क लगाया हुआ है। हम लोग हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ जा रहे हैं प्रॉपर। और यस, अभी वैसे रश तो नहीं लग रहा इतना ना कि है, तो अभी रश तो नहीं लग रहा है। नाउ लेट्स सी मंदिर के अंदर। और हम लोग उससे पहुंचे, वीआईपी एंट्री से पहुंच गए फटाफट। सो हो गए हैं, फटाफट दर्शन हुए, फटाफट से हम निकले हैं वहाँ से, और हम डायरेक्टली पहुँच रहे हैं घर। खाना वाना खाएंगे और मम्मा को बैठाएंगे और निकल जाएंगे। शॉर्ट उज्जैन की ट्रिप थी, जबकि मेरी यहाँ पे कजिन रहती है उज्जैन में, बट मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ एक और हिट की हुई है कि हमने प्रसाद वसाद कुछ नहीं लिया है, हम लोगों ने उसकी जगह धूप बत्ती ली है। वो एक्चुअली क्या है, जो यहाँ पर महाकाल में जो इतने ज्यादा वो आते हैं, फूल चढ़ते हैं, बहुत ज्यादा फूल चढ़ते हैं, सारे फ्लास्क को रिसाइकल करके उन लोगों ने धूप बत्ती अगरबत्ती बना दी है। एंड वो जो धूप बत्ती है उनमें चारकोल नहीं है, दे आर इको फ्रेंडली अगरबत्ती, बहुत अच्छी लग रही थी, तो मुझे वो कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने खरीद ली है। हेलो एवरीवन, सो आज है जन्माष्टमी का नेक्स्ट डे। कल वाले दिन मैंने कोई व्लॉग ही नहीं किया मैं, लेकिन यहाँ पर क्लिपिंग डाल दूंगी जिस तरह से मैंने डेकोरेट किया था। एंड फाइनली मतलब मेरा ये था कि जन्माष्टमी बहुत अच्छा दिन है, तो मेरा मन था कि जन्माष्टमी वाले दिन इस घर में नीचे दीपक जल जाए। मेरा ऐसा है कि घर में अगर मैं एंटर कर रही हूँ तो दिया जलना चाहिए, या फिर थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आ जाए, ताकि क्योंकि कोई और रह रहा था, भले घर का घर है बट कोई और रह रहा था, किसी और की एनर्जीज थी, कोई किसी और की वाइब्स होंगी। तो मेरा मन था कि रहने से पहले, जब हम यहाँ पे सोए फर्स्ट डे, तो उससे पहले यहाँ पे दीपक जल जाना चाहिए, भगवान की स्थापना पहले हो जाना चाहिए। तो मैं कल इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, बट मैंने कैसे भी करके उस रूम को क्लीन किया फटाफट से, जिस पे हम जिस कैबिनेट के ऊपर हम मंदिर बना रखते हैं, वो मंदिर वो पूरा क्लीन किया, सेट किया। मंदिर भी बहुत गंदा हो रहा था, उसको साफ किया और डेकोरेट किया। हमारे भगवान की स्थापना हो गई, दिया जल गया घर में, दिन हमारे यहाँ दिया जल गया, तो वो हो गया है। एंड उसके बाद आज हम लोग अपने इसी रूम में सोएंगे, मतलब ये पूरा बेडरूम है। तो ओ माई गॉड, मतलब इसमें मैंने विक्की की, तो अभी 2 दिन से वीकडे चल रहा हुआ है, विक्की तीनों का कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, बट बेडरूम इतना सेट हो चुका है, मेरी पूरी शेल्फ्स लग गई हैं, मेरी जो स्टडी एरिया है वो लग गया है, ये है मेरा वो है, दिस इज माय ना पागल हो गई हूँ मैं कि मेरे को, दिस इज माई ड्रेसिंग टेबल गाइज। हाँ, जो आर्ट पीसेज है वो मैंने बैक बेड के बैक में लगा दिए। मैं वैसा रिपीट नहीं कर रही हूँ जो मैंने अभी लास्ट घर में किया था, क्योंकि फिर वही सेम और सेम नहीं, थोड़ा चेंज करने का मौका मिला है, तो मैं थोड़ा चेंज करूंगी। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, बट मैं थोड़ी टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो बेडरूम ऐसा हो गया है कि अब हम आज सो सकेंगे, साफ कर लिया है, बहुत अच्छे से वैक्यूम किया है, इतनी डस्ट हो रही थी घर में, एंड वॉट एल्स। हाँ, अब मुझे छोटी मोटी चीज़ें बस करनी है, मतलब ड्रिलिंग वाली चीज़ें सारी बेडरूम में ख़त्म होंगी। मतलब मैंने विक्की को बोला अब यहाँ पे एक भी होल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से डस्ट फ्री कर दिया है घर को। मुझे अभी आपको कुछ भी नहीं दिखाना है, एनीवेज कल मैं किचन करने वाली हूँ, तो होपफुली मैं कल ऐसे किचन चालू करूंगी सुबह से कि मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि मेरा किचन कल 80% कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं विक्की मुझे बोल रहा है ऐसे क्यों कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ अभी,
पिछले बार मैंने क्या किया था, मैंने एक एक एरिया लिया था, जैसे बैल्कनी कंप्लीट कर दिया था, फिर लिविंग रूम पे ध्यान दिया, लिविंग रूम कंप्लीट कर दिया था, फिर बेडरूम पे ध्यान दिया, बेडरूम कंप्लीट, ऐसे ऐसे मैंने एक एक एरिया पर्टिकुलर पकड़ा था। बट इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मैं सब कुछ साथ में कर रही हूँ, मेरा किचन भी साथ में चल रहा है, बेडरूम साथ में चल रहा है, दूसरा रूम का सारा सामान आ चुका है, जो मुझे लगाना है बस लगाना बाकी है, ड्रिलिंग विलिंग का काम अभी उसमें बाकी रहेगा, वो जिस दिन विक्की फ्री होगा तब कर पाएगा, क्योंकि उसमें एक लाइट वॉल लैम्प है, हैंगिंग लैम्प है, वो भी लगाना है मुझे दो, तो वो सब विक्की जब फ्री रहेगा तभी हो पाएगा। लेकिन इस बार मैं सब मैं कोशिश करी, क्योंकि अभी गणपति जी आने वाले हैं, तो मेरा ये एम है कि गणपति जी से पहले मेरा पूरा घर रेडी हो जाना चाहिए, भले ही मैं वीडियो डालती रहूंगी आराम आराम से, बट शूट नहीं भी होता है, बट एटलीस्ट रेडी हो जाए कि हाँ भाई ये अब मुझे डालना है वीडियो में वैसा। तो यस गाइज, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच, काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज में, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे वैसे तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जल्दी करिए जल्दी करिए, आई नो यू गाइज आर सो एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मैं थक बहुत ज़्यादा रही हूँ। तो दूसरी चीज़, हाँ अरे मैंने हाउस डीप क्लीनिंग के लिए अर्बन क्लैब यहाँ पर वो किया, तो यहाँ पे क्या अर्बन क्लैब के जो टेक्नीशियंस थे वो अवेलेबल नहीं थे, दो दिन तक मैंने ट्राई किया, फिर मैंने एक लोकल जो क्लीनिंग करके क्लीन लोकल भोपाल में थे, मैंने उनको कॉल किया, उन भैया ने भी धोखा दे दिया, तो जब उनने मेरे को मना किया ना, मैं नेक्स्ट डे तक लिटरली वेट करती थी कि आज भैया आएंगे, डीप क्लीनिंग वाले भैया आएंगे फटाफट, मैं एकदम एक्साइटेड मोड में थी कि 3 घंटे मेरा घर साफ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पाया, वो नहीं आ पाए ड्यू टू सम रीज़न, उनको फीवर आ रहा था या जो भी था, तो फिर मैंने मना कर दिया कि भाई कोविड की वजह से डर भी बहुत लगता है, कोई बोलता है फीवर आ रहा है तो मैं कहती हूँ रहने दो, फिर मेरा इतना दिमाग आउट हो गया कि मैं खुद ही मैंने डस्ट वैक्यूम क्लीनर झाड़ू उठाई और मैंने खुद डस्टिंग करना चालू कर दी, तो वो पूरा दिन जो मेरा गया है ना, मैं फिर से अपने बारे में बताने लगी। एनीवेज गाइस छोड़िए, ये सब चलता रहेगा, कोई नहीं है। हाँ, आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, मैं मिलती हूँ जल्दी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।